हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मेरे वीडियो देखकर एंजॉय कर रहे होंगे और ज़रूर मैं आपको कुछ ना कुछ सिखा पा रही होंगी। तो देखिए, आज जो है आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ इस सलवार का पाइचा बनाना बताऊंगी, ये देखिए, और छोटी छोटी सी बातें और भी शेयर करूंगी आगे ब्लॉग में। तो सब कुछ देखिए अच्छे से, ब्लॉग अच्छा लगे या मैंने आपको ज़रा सा भी कुछ सिखाया हो तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बज चुके हैं, ये देखिए आपको टाइम दिख रहा होगा कितना हो रहा है, ठीक है। अंदर कमरे में बैठे हुए हैं और देखिए टाइम देख लीजिए, सुबह 9 बजे से हम लगे हुए हैं सिस्टी की क्लास में। आज दोबारा से हफ्ते में 2 बार सिस्टी की क्लास होती है मैथ की, और आज वो अपना क्लास ले रही है मैथ की। और जो कुछ उसे समझ नहीं आता है मैं उसके पास ही बैठी रहती हूँ उसे बताने के लिए, बाकी सारे सब्जेक्ट वो कर लेती है। थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत होती है, जो समझ नहीं आता हम बता देते हैं, और मैथ की क्लास में उसको बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होती है तो मैं उसके पास ही बैठकर उसको बताती रहती हूँ। तो ये देखिए आपको ये चद्दर कैसी लगी, टेडी बेयर वाली है और इस पर लिखा हुआ है, ये देखिए, हैप्पी डे, ठीक है। तो कल हमने धोए थे अपने कपड़े, जिसकी वजह से मेरे, आपको दिख रहा होगा, मेरे तकिया जो है उनमें कवर नहीं है, तो धूप में कपड़े पड़े हुए थे और अचानक ही बारिश आ गई, तो जिसकी वजह से सारे कपड़े जो हैं हमारे दोबारा से गीले हो गए हैं और उनको आज दोबारा से हमने धूप में डाला है सूखने के लिए। तो सिस्टी देखिए कर रही है अपना काम। तो यहाँ पर देखिए सामने रखी हुई है बेटे जी की ड्रेस। बड़े बच्चों के स्कूल खुल गए हैं दिल्ली में, आप सबको पता ही होगा, 8 क्लास से लेकर 12 क्लास तक सारे बच्चों के स्कूल जो हैं वो खुल चुके हैं। तो ये जो ड्रेस है बेटे को हमने 4 साल पहले दिलवाई थी, तो जिसकी वजह से ये उसको नहीं आ रही है, फिट नहीं हो रही है, तो मैं थोड़ा सा इस पर सिलाई वगैरह खोल के लगा रही हूँ। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ अपनी सिलाई मशीन जो मेरी खुद की सेविंग से ख़रीदी हुई है, ये देखिए, ये मेरी खुद सेविंग की हुई पैसों से मैंने ख़रीदी है, और लगभग इसको 7-8 साल हो चुके हैं जब मैंने ख़रीदी थी। मेरे शादी में जो पापा जी ने मुझे दी थी वो उषा कंपनी की थी जो पहले चलती थी, शादी को लगभग 19-20 साल हो चुके हैं, तो उस टाइम पे जो चलती थी वो उन्होंने मुझे दी थी। बट मुझे बहुत कुछ करना था, सिलाई से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे करनी थी और वो उस मशीन में नहीं थी, तो फिर ये मैंने ख़रीदी थी। तो आप सोच रहे होंगे इतनी सेविंग कहाँ से हो जाती है, तो आप सबको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। मैं छोटे बच्चों को ट्यूशन देती हूँ और इसीलिए मैंने पिछले किसी वीडियो में बोला था मैं अपने बच्चों को खुद ही पढ़ाती हूँ। तो बेटा जो है अभी बड़ी क्लास में आ चुका है, 12 क्लास में है, तो शुरू से मैं ही उसे पढ़ा रही हूँ। जब वो छोटा था नर्सरी क्लास में तब से मैं ही पढ़ा रही हूँ, और बेटी जो है उसको भी मैं ही पढ़ा रही हूँ, तो बच्चे बाहर नहीं जाते हैं, तो डबल तिबल फ़ायदे हो जाते हैं। एक तो बच्चों को कहीं बाहर नहीं भेजना पड़ता है, लाना ले जाना की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है, और दूसरी बात हम 24 घंटे उनकी हेल्प के लिए रहते ही हैं, जब उन्हें कुछ पूछना हो तो मैं फटाक से बता देती हूँ। तो अल्ट्रा का काम कर रही थी मैं, बेटे की शर्ट और पैंट दोनों ही नहीं आ रही है, तो आज मैं लगी हुई हूँ इसमें, ठीक है। अगर किसी को इस मशीन के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन चाहिएगी तो बता देना। सामने आपको बैग दिख रहा होगा, तो वो स्कूल जाने की तैयारी में था, तो उसी की मैं, जब उसने ड्रेस पहन के देखी उसको नहीं आ रही, तो मैं उसको अल्ट्रा करके दे रही हूँ कि उसको ये फिट हो जाए, ठीक है। तो आप सब भी कमेंट करके बताना कि आपके बच्चों का भी स्कूल खुल गया है क्या, जैसे हम दिल्ली में रहते हैं तो यहाँ पर तो स्कूल खुल गए हैं, और मैंने 2 हफ्ते इग्नोर मारा कि स्कूल नहीं जाना है, बच्चे को बहुत समझाया नहीं जाना है नहीं जाना है, बट अभी क्या है सभी जा रहे हैं, तो स्कूल से भी प्रेशर आ रहा है और काम जो है बेटे ने पूरा कंप्लीट करके रखा हुआ है, तो मैंने सिर्फ उसको इसी शर्त पे स्कूल भेजने के लिए जो साइन होता है, आप सबको पता ही है कि एक लेटर बनाना होता है और उसमें साइन करना पड़ता है पेरेंट्स को कि हम अपने रिस्क पर बच्चे को भेज रहे हैं, तो मैंने सिर्फ उस पर साइन इसीलिए किया है कि बेटे ने जो 3-4 महीने में मेहनत की है, अपने जो काम उसने पूरा किया है रजिस्टर वगैरह उस पर वो अपने सर या मैडम जो भी है उसका उनको दिखाकर साइन वगैरह करवा सके, और फिर मैं इसको स्कूल भेजना बंद कर दूंगी, ठीक है। तो आज मैं बस ज़्यादा कुछ खास नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि मैं अभी बच्चों की पढ़ाई में बिज़ी हूँ काफ़ी सारी, और बेटे का भी काफ़ी सारा काम होता है और मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। दूसरा चैनल जो है सिस्टी के टिवाडिया चैनल, उस पर भी बहुत कुछ करना होता है। रेनी सीजन में मेरी बैंड बजी हुई है क्योंकि मुझे टेरेस भी देखना है, गार्डन भी देखना है, वीडियो भी बनाने हैं, आप सबके साथ शेयर भी करने हैं, और दूसरा घर का इतना सारा काम है और बच्चों की पढ़ाई का भी बहुत सारा काम है, और कुछ ना कुछ मुझे अल्ट्रा भी हमेशा करना ही पड़ रहा है, चाहे वो मेरे खुद के कपड़े हों या बेटे के हो या मम्मी जी के हो, तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ रहा है। तो आज के वीडियो में मैं आपको एंड में एक जो सलवार होती है मैं अपनी सलवार दिखाती हूँ आपको, किसी वीडियो में मैंने शेयर की थी, तो आज जो मैंने पहन रखी है ये देखिए,
ये धोती सलवार है, ठीक है। तो ये मैंने खुद ही बनाई थी, किसी को जानना हो इसका, इस जिस वीडियो में मैंने ये धोती सलवार आप सबके साथ शेयर की थी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो कि ये देखने में कैसी है। अगर किसी को सीखना हो कि ये सलवार कैसे बनती है, बहुत अच्छा लुक आता है इसका, और इसके ऊपर आप पहन सकते हो शॉर्ट कुर्ती, ठीक है, तो बहुत अच्छी लगती है ये। तो ये जो पाइचा कैसे बनता है, पाइचा बोलते हैं इसको या मोहरी बोल सकते हो आप, तो ये कैसे बनता है आज के वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ। तो मैंने एक सलवार रेडी की है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका पूरा वीडियो जो है कटिंग और स्टिचिंग का वो सृष्टि के तिवारिया चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से देख सकते हो। इस चैनल को भी, मेरे सृष्टि के तिवारिया चैनल को भी आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो मैं डेली अपलोड करती हूँ। तो चलिए अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आज के ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो सलवार की मोहरी कैसे बनाते हैं आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ। तो पहले ये सारा काम कर लेती हूँ, वो देखिए मैंने पीछे निकाल कर रखी हुई है कि आज मुझे ये करनी है, टाइम इतना कम है, फिर भी मैं कुछ ना कुछ रोज़ करती ही रहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक सलवार रेडी की है, सलवार, ठीक है। इसका पूरा वीडियो जो है वो सृष्टि के तिवारिया चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी इसका। तो जैसा कि मैंने बोला था मैं पाइचा बनाना आपको बताऊँगी, तो ये देखिए इसके पाइचा कैसे बनाते हैं, मोहरी कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए इस टाइप का रेडीमेड ये जो बकरम जिसे बोलते हैं मोहरी में लगाने का वो मिलता है। तो ये बहुत पहले लिया था मैंने, 3-4 साल पहले, पतले वाला है ये। अगर आप चाहते हो कि हमें चौड़ी वाली बनानी है, चौड़ी का भी फैशन अभी चल रहा है, इतनी चौड़ी का भी, 2 इंच का भी, तो आप जो पूरा का पूरा बकरम आता है उसमें से काट सकते हो। तो मैंने इसी के अकॉर्डिंग अपना इसमें से कट कर लिया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ऐसे आपको डबल फोल्ड में रखना है, ये देखिए डबल फोल्ड है हमारा, यहाँ से बराबर कर लेना है आपको, और बिल्कुल इसी से नापते हुए मैंने दो अपनी ये कट कर ली है, ये देखिए डबल फोल्ड में, ठीक है, बिल्कुल इसी के नाप की मैंने ली है। हल्का सा थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लिया है मैंने, बहुत हल्का सा, और इसी के साइज से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ये एक पट्टी कट की है, बिल्कुल इसी के लेंथ की जितनी है ये देखिए, और कितनी बड़ी थोड़ी सी मैंने कट की है वो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इतनी बड़ी है, ठीक है, ये देखिए आपको क्लियर दिख रहा होगा, क्योंकि ये हमें यहाँ से मोड़नी है। तो चलिए पूरा डिटेल में आपको बताऊँगी कैसे इसको रेडी करते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी सलवार के लिए। अगर ये आपकी अच्छी बनी होगी ना, तो आपकी सलवार दूर से देखने में ही बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए दिखाती हूँ आपको कैसे आप इसको बनाओगे, कैसे रेडी करोगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो कपड़ा है ऊपर की तरफ ये हमारा उल्टा है, और नीचे की तरफ हमारा कपड़ा सीधा है। तो आपको उल्टा कपड़ा रखना है और उसके ऊपर रखना है आपको बकरम, ठीक है। तो देखिए मैं क्या करने वाली हूँ, एक तरफ मैं ज़रा सी किनारी छोड़ने वाली हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये देखिए मैं इसको कुछ ऐसे सेट कर लूँगी, और यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं इसे फिक्स करने के लिए क्या करूँगी, मैं यहाँ किनारे की तरफ एक ऐसे सिलाई लगा लूँगी। आई होप आप सबको क्लियर दिख गया होगा, ये देखिए यहाँ किनारे की तरफ सिलाई लगा लेती हूँ, और दूसरा वाला जो पोर्शन है इसका साइड में यहाँ पर, यहाँ भी सिलाई लगाकर फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे दोनों तरफ मैंने इसको सिलाई लगा लिया है, ताकि अपनी जगह से बिल्कुल भी हिल ना जाए। और ये देखिए अब हम यहाँ से इस तरफ जो हमने पतली वाली किनारी छोड़ी है ना, इधर ये पतली है ये चौड़ी है, तो चौड़ी वाली से मैं इसको यूँ मोड़ लूँगी, ठीक है। फिनिशिंग के साथ आप भी इसको मोड़ लीजिए। देखा आपने, मैंने बहुत जल्दी से इसको फिनिशिंग के साथ सील लिया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये हमारा जो हमने पाइचा रखा है, मोहरी रखी है, जो भी आप बोलना चाहो, ये सीधा है, ठीक है। ये सिलाई देखिए ये सीधी वाली है, ये वाली सिलाई सीधी है, और यहाँ पीछे की तरफ देखिए ये उल्टा है। तो आपको रखना है सीधा, और सीधे के ऊपर ये देखिए, अगर हम इसको ऐसे रखेंगे पलटेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो हमें रखना है ऐसे घुमा कर। और ये देखिए ये जो किनारी मैंने बताई थी ना आपको, ये वाले किनारी मैं बोल रही हूँ, ये मैंने इसलिए छोड़ी थी कि मैं इसको यहाँ रख कर ऐसे और पूरा इसको सिलाई करूँगी, और फिर बाद में हम इसको पलट देंगे और ये पीछे की तरफ आकर ऐसे सेट हो जाएगा। तो चलिए मशीन की तरफ चलते हैं। आई होप आप सबको क्लियर दिख रहा होगा। तो ये देखिए मैं बिल्कुल इसको सेट कर लूँगी, किनारे से किनारे मिलाकर बिल्कुल ऊपर नीचे से मिला लेंगे, और उसके बाद इसको सिलाई लगाएंगे। बकरम के ऊपर आपको सिलाई नहीं चढ़ानी है, ये जो हमने कपड़ा यहाँ पर छोड़ा है आपको उसी के ऊपर लगानी है। तो देखिए मैं इसको लगा लेती हूँ, धीरे धीरे हम कपड़े को सेट करते जाएंगे, बराबर करते जाएंगे और सिलाई लगाते हुए जाएंगे।
तो ये देखिए मैं इसको सिलाई को धीरे धीरे कर कर लगा लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ इसको लगाने के बाद। आई होप आप सब समझ रहे होंगे क्योंकि ये बिल्कुल सीधी सिलाई है, इसमें कुछ खास ज़्यादा नहीं करना होता, बस आपको कपड़े को मिलाते हुए जाना है और बस इसको सिलाई लगा लेनी है। जो भी थोड़ी बहुत सिलाई जानता है उन सबको ज़रूर ये सिलाई लगानी आ जाएगी, बहुत ही आसान है। और देखिए बातों बातों में मैंने ये सिलाई को लगभग एंड तक पूरा कर लिया है, आप इसको मिलाते जाना और सिलाई करते जाना, ठीक है। तो मैं इसे कट कर कर दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर देखिए ये सिलाई लग चुकी है। अब देखिए हम यहाँ पर टॉप स्टिच लगाएंगे, आपको ऐसे पलट देना है। इस वाले कपड़े का ध्यान रखना ये पीछे की तरफ ना जाए और यहाँ किनारे किनारे आपको सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैं टॉप स्टिच लगा रही हूँ बिल्कुल एंड तक ही, ऐसे लगा लेना है दबाते हुए और उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस जो है वो आपको दिखाऊंगी। तो देखिए इसको मैं पूरा ही करके आपको दिखा देती हूँ, किसी को ये ना लगे कि इन्होंने शॉर्ट में समझा दिया है, कुछ समझ तो आया नहीं। तो टॉप स्टिच लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये आपकी सिलाई को बिल्कुल फिक्स कर देता है और आपका कपड़ा भी बिल्कुल सेट हो जाता है और फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी मशीन के बारे में थोड़ा सा पहले ही बताया था, तो इसके पोंचे पे जो हम मोहरी बना रहे हैं उस पर हम डिज़ाइन बहुत अलग अलग तरीके के कर सकते हैं। तो आज जो मैं डिज़ाइन आपको बताऊंगी वो बिल्कुल सिंपल तरीके का है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए जैसा कि मैंने आपको बोला था सिलाई मैंने लगा ली है। टॉप स्टिच किसको बोलते हैं ये देखिए आपको दिख रहा होगा क्लियर। तो अब हम इसको ऐसे पलटेंगे यहाँ पर और ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है इसको मैं कट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब हम इसको ऐसे पलट देंगे, ये देखिए ठीक है। तो अब ये पलट कर यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे इस तरफ किनारे की तरफ, यहाँ पर एक सिलाई में लगाकर इसको सेट कर देती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। सीधी सीधी सिलाई ही लगानी है, कुछ खास तो करना नहीं है, ऐसे किनारे किनारे आप एक सिलाई लगा लीजिए। यहाँ पर देखिए बखिया जो है, जो सिलाई होती है यहाँ पर देखिए, जो मैंने सेंटर में लगाया था इसको मोड़ने के लिए वो मैंने मोटा बखिया रखा था और यहाँ किनारे की तरफ, कैमरा फोकस नहीं कर रहा है, किनारे की तरफ मैंने ये देखिए अब दिखा आपको क्लियर, किनारे की तरफ मैंने पत्ता मतलब कि छोटे रखे हैं और यहाँ बीच में सेंटर में मैंने मोटा रखा है, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ किनारे की तरफ सिलाई लगा ली है। अब हमारा जो काम है अब हम सीधे की तरफ इसको पलट लेंगे। ये देखिए सीधे उल्टे में बिल्कुल भी गड़बड़ मत कर देना। जब मैं शुरुआत में सिलाई सीख रही थी आज से लगभग 20-22 साल पहले, तो मुझसे बहुत बार ये गलती हुई है, तो इसीलिए आपको सजेस्ट कर रही हूँ ध्यान से करना इसको। अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ पर फ्रंट साइड में हमें सिर्फ एक सिलाई दिख रही है और इस तरफ नहीं है कोई सिलाई। तो मैं यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर एक सिलाई यहाँ पर लगाती हूँ और एक सेंटर में लगा लेती हूँ, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है सिलाई लगानी और कुछ खास नहीं करना है। आई होप आप सबको क्लियर दिख रहा होगा दोस्तों। तो बस ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है, मैं इसको पूरा कर लेती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों अब मैं सेंटर में लगा रही हूँ, सीधी सीधी सिलाई लगानी है, कुछ भी खास नहीं करना है। ये देखिए ये देखिए आप दोनों साइड लगा लोगे ना फिर सेंटर में सिलाई लगाना बहुत ही आसान हो जाता है और बहुत जल्दी ये सिलाई लग जाती है। तो मैं इसको पूरा कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मेरे सिलाई में ये जो पोर्शन है इसको घुमाकर आप इसे सेट कर सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पर मैं लगाऊंगी एच के बाद आई आता है, आई वाला मैंने लगा दिया है। सुई जो है वो मेरी सेट हो चुकी है। अब मैं कैमरा जो है बिल्कुल अपने फ्रंट में रख लेती हूँ, अभी तक मैंने बिल्कुल साइड में रखा था। तो यहाँ देखिए दोस्तों आई होप आप सबको क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ किनारे की तरफ से मैं ज़रा सी जगह छोड़कर इधर से सेट करूँगी क्योंकि ये जो टांके हैं ना वो ऐसे ऐसे आएंगे, ठीक है। आई होप आप सबको क्लियर दिख रहा होगा, ज़रा सी भी प्रॉब्लम किसी को समझने में आए तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना ज़रूर। ये देखिए आई होप क्लियर दिख रहा होगा, ये देखिए कुछ भी नहीं करना है, बस आपको अपने कपड़े को मैनेज करते जाना है और बस अपने पैडल दबाते जाना है। तो आप सबको पता ही होगा कि मेरी मशीन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक है, धूली से चलती है, तो मैं सिर्फ इसका पैडल दबा रही हूँ अपने पैरों से और ये चलती जा रही है। ये देखिए बिना कैमरा पॉज किए हुए मैं सारा का सारा आपको ये करके दिखाऊंगी ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए। कैमरा सामने रखा है तो मुझे देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बट कोई बात नहीं, आपको समझाने के लिए ये भी करना ज़रूरी है। तो ये देखिए एंड तक पहुँच गए हैं और मैं इसे निकाल कर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए आई होप आप सबको दिख गया होगा क्लियर। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा पैटर्न आया है, ठीक है, क्लियर दिख रहा है ना आप सबको। तो जैसा मैंने इस तरफ बनाया है वैसा ही मैं यहाँ दूसरी तरफ भी बना लेती हूँ। सेम कलर की धागा यूज़ करने की वजह से ना बहुत बार जो है वो क्लियर दिखता नहीं है,
तो मैं कोशिश कर रही हूँ आपको फोकस करके, ये देखिए क्लियर हो गया ना। तो सेम ऐसा ही जैसा मैंने अभी इधर बनाया है वैसा ही इधर बना लेती हूँ, फिर इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए दोस्तों मैंने बिल्कुल बना लिया है इसको भी और इसको भी, और जैसा मैंने ये बनाया है सेम इसका दूसरा जो पैर है वो भी मैं बना लेती हूँ, फिर इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों हमारी जो सलवार के दोनों पाँचे हैं बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये देखिए पास से दिखा रही हूँ बिल्कुल, ठीक है। ये देखिए दोस्तों बहुत मेहनत से मैंने आपको ये बनाना सिखाया है। आपको भी ये अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि हमें आज का व्लॉग आपका बहुत अच्छा लगा, और इसको आप डिफरेंट तरीके से बना सकते हो, किसी को वो सारे तरीके जानने हो तो ज़रूर कमेंट करना। आप अगर कमेंट करोगे तो किसी ना किसी व्लॉग में मैं वो सारे धीरे धीरे करके आपको सिखाती रहूँगी, कॉमेंट आएंगे तभी बताऊँगी। तो ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और बहुत जल्दी मैं आप सबके साथ गणपति बापा का व्लॉग शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैं हमने फर्स्ट बार हमारी गली में फर्स्ट बार गणपति बापा को हमने बुलाया है और सब कुछ किया है, अपनी तरफ से कोशिश की है। ज़रूर वो वीडियो भी आप सबके साथ मैं शेयर करूँगी। तो मिलते हैं।